90 के दशक की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक उर्मिला मातोंडकर लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस से जुड़ी ही रहती हैं। इसी बीच उर्मिला अपने निजी जिंदगी की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने 8 साल की शादी को ख़त्म करने का फैसला लिया है। उर्मिला अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से तलाक ले रही हैं। एक्ट्रेस ने मुंबई की एक अदालत में तलाक की अर्जी लगाई है। सूत्रों की माने तो एक्ट्रेस ने अपने से 10 साल छोटे पति मोहसिन से तलाक लेने के लिए अर्जी दायर की है। उर्मिला अपने काम पर फोकस करना चाहती हैं। उधर कोर्ट से जुड़े एक सूत्र से पता चला है कि उर्मिला ने बहुत सोचने और समझने के बाद पति से अलग होने का फैसला किया। हालांकि दोनों के तलाक के पीछे की असली वजह क्या है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन कहा जा रहा है कि उर्मिला और मोहसिन का तलाक उनकी आपसी सहमति से नहीं हो रहा। वहीं आपको बताते चले कि मोहसिन मुंबई में अपने मॉडलिंग करियर के मुश्किल दौर से जब गुजर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात पहली बार उर्मिला से हुई। साल 2014 में मनीष मल्होत्रा की भतीजी रिद्धि मल्होत्रा की शादी में उर्मिला और मोहसिन की पहली बार मुलाकात हुई। मोहसिन की तरफ से पहली नज़र का प्यार था। वहीं वो एक दूसरे से मिलने लगे और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। एक्ट्रेस पर पूरी तरह से फिदा मोहसिन ने उनसे शादी करने का मन बना लिया। वहीं दूसरी ओर उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। आखिरकार मोहसिन ने सबसे पहले उर्मिला को प्रपोज किया था, लेकिन वो इसे स्वीकार करने में थोड़ी झिझक रही थी। वहीं बिजनेसमैन ने हार नहीं मानी, वो फिल्मी अंदाज में भी उर्मिला को रिझाते रहे। इसके बाद उर्मिला ने 4 फरवरी साल 2016 में शादी की। अब बात करें मोहसिन की तो असल में कश्मीर से आए बिजनेसमैन और मॉडल हैं। 21 साल की उम्र में वो कश्मीर से मुंबई आए थे। उनका सपना बॉलीवुड में कुछ करने का था। 2009 में आई फिल्म इट्स अ मैंस वर्ल्ड से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया। इसके बाद उन्हें लक बाय चांस, मुंबई मस्त, कलंदर और बीए पास जैसी फिल्मों में भी देखा गया। बाद में उन्होंने एक्टिंग छोड़ बिजनेस की दुनिया में ही रहने का फैसला किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।